ये कैसे हो सकता है? माने तुझे गाड़ी का नंबर अच्छे से याद है ना? आई मुझे नंबर ही नहीं, मेक और मॉडल सब अच्छे से दिमाग में छपा हुआ है। क्यों आई, क्या हुआ? अभी कुछ ही देर पहले आपको मान्या की स्टेटमेंट पे बिल्कुल भी डाउट नहीं था, और अब आपके नए पति पे बात आ गई तो आपको अचानक सब कुछ गलत लगता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो उस वक्त मेरे साथ ही थे जिस वक्त मान्या का एक्सीडेंट हुआ था। वाओ, अब आप उनकी पल पल की खबर भी रखने लगी। सिया, चुप कर। तू आई पे गुस्सा है मैं समझती हूँ, पर तेरी आई ना अपने बेटियों के आगे कभी भी किसी को नहीं रखेगी, समझे तुम? मान्या, वो विराट जी हो ही नहीं सकते। कृष के बर्थडे के चक्कर में वो कल सारा दिन मेरे साथ ही थे। हाँ आई, पर मैंने जो देखा वो देखा, मुझे जरा सा भी डाउट नहीं है। हाँ मान्या, मुझे तेरी बातों पे पूरा भरोसा है, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि गाड़ी कोई और ही चला रहा था। मानना पड़ेगा ही। आपको खुद की बेटी से ज्यादा उस अनजान आदमी पे भरोसा हो रहा है जिसको आप अभी अभी मिली है? नहीं, हमें भी नहीं लगता कि ये विराट जी से हुआ है, क्योंकि अगर ये उनसे हुआ होता तो वो खुद कमिश्नर से बात करके इसकी तहकीकात थोड़ी करवाते। आरएस एकदम ठीक बोल रहा है। आप लोग ना उस विराट सेठी के चक्कर में अंधे हो चुके हैं, और खास करके आई। आप लोगों को जो करना है कीजिए, मैं इस चीज का हिस्सा नहीं बन सकती। सिया, कहा था नमन ने कि थोड़ा संभाल के रहियो, तो फिर बीवी बच्चों के साथ घूमने जाने की काय जरूरत थी? अब अगर छोरो चाहिए तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं? बबीता जैसी खानदानी लड़की तन्ने कत्थे मिलेगी? मन ने तो थारी मदद इसलिए की थी क्योंकि तुम हारे मायके से है। अब थारे से इतनी सावधानी कोनी रखी गई? मैंने आपको पहले ही कहा था झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये तो छोटो सो झूठ है, और ऐसे भी ऐसी छोरी से कौन शादी करता जिसका एक रिश्ता पहले टूट गया हो। मैं तो उनके ऊपर एहसान कर रही थी। अरे शादी हो जाती ना तो सब ठीक हो जाता। और मान्या ने थारे को बच्चों के साथ देखकर सब सत्यानाश कर दियो। सत्यानाश मान्या ने नहीं, आपने किया है। वो तो अच्छा हुआ कि हम मान्या की फाइल लेने घर आ गए, और बिल्कुल सही टाइम पे इन्हें ये सब कहते हुए सुन लिया। इसका मतलब मान्या तो हमेशा से सही थी। ये महेंद्र पहले से शादी शुदा है और बच्चों वाला भी। वो बेचारी तो कब से बोली जा रही थी कि कुछ गड़बड़ है, पर पता नहीं क्यों हम लोग रानी दादी की बातों में आकर अंधे हो गए थे। यहाँ तक कि हम भी अनही मान्या की बात पे हमें यकीन क्यों नहीं हो रहा था। इतना उत्तेजित काई हो रहे हो? ऐसा काई कर दिया मन ने? बबीता वास्ते एक खानदानी लड़का ढूंढा था, थारे से तीन गुना पैसे है उसके पास। काई हो गया वो शादीशुदा और उसकी छोरियां हैं। छोरे वास्ते दूसरा ब्याह कर रहा था, और ये तो आम बात है। और भूलियो मत, थारी बबीता भी खोटा सिक्का है, उस पे भी रिश्ता टूटने का दाग लगा हुआ है। एहसान क्या है मन ने उसके ऊपर? एहसान बस। खबरदार, जो एक शब्द भी मुंह से निकाला तो बहुत धूल झोंक ली आपने हमारी आंखों में, और इतना तक कि हम भी आपके बहकावे में आ गए। हम खुद हमारे परिवार के भले बुरे के बारे में भी नहीं सोच पाए। हमने क्या किया? हमारी भोली ईमानदार मान्या को परे रख के आप पे भरोसा किया, और आपने क्या किया? हमारी बबीता के लिए एक शादीशुदा बाल बच्चे वाला इंसान
शादी करवाने के लिए लेकर आई, आपको शर्म नहीं आई? हमारी मान्या, बेचारी मान्या तो कब से हमें कह रही थी, पर हमने उस पर भरोसा ही नहीं किया। खबरदार जो ये आरोप मन्ने अकेली पे लगाया, हर फैसले हर कदम पे आप भी हमारे साथ थी। आप इतनी भोली कोणी बनो, और मान्या की जो हालत है ना, इसमें जितना दोष मारा है उतना ही थारा भी है पुष्पा सा। बस बस हुआ रानी चाची, बस हुआ। आज तक हमने अपने बड़ों के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन आप उस इज्जत के लायक ही नहीं है। आपकी वजह से हमारे घर का इतना नुकसान हुआ, अब आप निकल जाइए यहाँ से। खबरदार। हाँ जी आलोक जी, वो पुलिस ने कुछ बताया क्या? ओ जी देखो, अगर कुछ भी आपको पता चले ना, आप तुरंत है ना मुझे कॉल शॉल कर देना। हैं हाँ जी, हाँ मुना, सब ठीक तो है? ओ मम्मी जी, वो अभी कुछ भी पता नहीं चला है। मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि हमारे बेचारे विराट की वहाँ क्या हालत हो रही होगी। छोटे सांप मनहूस, तू यहां खड़े खड़े क्या सुन रहा है? ये सब तेरी ही करतूत है। और करवा विराट की शादी उस नौकरानी से। देख लिया ना तूने कैसे विराट को पुलिस चोरों की तरह पकड़ कर लेके गई है? हाय मेरा पुत्र बेचारा, हमारी फैमिली में दूर दूर तक कभी किसी को जेल नहीं हुई। तेरी वजह से, तेरी जिद की वजह से आज मेरा पुत्र सलाखों के पीछे है। ना तूने नीमा के साथ शादी की जिद की होती और ना ही ये दिन देखना पड़ता। अरे तू अपनी कमीनी माँ के कोख में ही क्यों नहीं मर गया था? मुझे यकीन है, मैं ये लिख कर दे सकती हूँ कि मेरा विराट तेरी इस जिद के कारण मर जाएगा। तेरी जिद मेरे विराट को मार डालेगी, और वो दिन भी दूर नहीं जिस दिन तू हमें एक एक करके खा जाएगा। अभी भी सुधर जा, वक्त है, सुधर जा। हो जा मेरी नजरों से। तुमने मुझे नीमा से बात क्यों नहीं करने दी? भाई मेरी बुद्धि भी खराब थी जो मैंने तुम्हारी बात सुनी। देखो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें लिए बिना यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा घर। ठीक है भैया, चिंता मत करो, हो जाएगा ठीक सब कुछ। आप जा सकते हैं। कोई कोर्ट तो बंद है, बेल किसने की? तो आप बाहर जाके पूछिए। नीमा, तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए। तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ पे? वो किस बात का है कि आपने मुझे नहीं बताया? नीमा मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाह रहा था, तुम ऑलरेडी बहुत परेशान थी। विराट जी आपका जेल में होना मेरे लिए और भी बड़ी परेशानी की बात है। कुछ तो गड़बड़ है, कल सारा दिन तो आप मेरे साथ ही थे, तो उस वक्त आप गाड़ी में हो ही नहीं सकते, पर मान्या बार बार आपकी गाड़ी का नंबर बोले जा रही है। तो अभी तुमने क्या कहा, मुझे कैसे छुड़वाया? मान्या ने FIR वापस ले लिए। मेरे इस दावे पे
कि कल आप सारा दिन मेरे साथ ही थे। हमें पता लगाना ही होगा कि आखिर ये किसने किया है। थैंक यू नीमा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मान्या बेटा, हम तो माफी मांगने के लायक भी नहीं रहे। आप तो सिर्फ यही चाहती थी ना कि हम आपको अपनाए, आपको प्यार करें, पर हमारे स्वभाव के अनुसार हम तो ये भी नहीं कर पाए। यहाँ तक कि आपकी और पारस की खुशी भी हमने छीन ली। इसके लिए हमें बहुत शर्मिंदगी हो रही है, और आपको हमें जो भी सजा देनी है वो आप दे सकते हैं। हमें माफ कर दो दादी जी, प्लीज ऐसा मत बोलिए। दुनिया की हर एक माँ सबसे पहले अपने परिवार के बारे में ही सोचती है। आपने भी बस वही किया। मैं बहुत खुश हूं कि अबीता की जिंदगी बर्बाद होते होते बच गई। बबीता मेरी बहन जैसी है, मैं उसके साथ कभी भी ये होने नहीं देती। मान्या बेटा, हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें आप जैसी बहू मिली, लेकिन हम आपके लायक नहीं है। हो सके तो हमें माफ कर देना। नहीं प्लीज ऐसा मत बोलिए, मुझे आप सबकी बहुत जरूरत है। दादी खासकर आपकी। तुम लोग यहीं पर रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूं। विराट जी, मैंने मान्या से कई बार पूछा, पर हर बार वो इसी गाड़ी का नंबर प्लेट और मॉडल बता रही है। हॉस्पिटल वालों ने भी कहा है कि जब वो हॉस्पिटल में लाई जा रही थी, वो बार बार आप ही के गाड़ी का नंबर बता रही थी। मान लो कि अगर गाड़ी ये थी, पर मैं तो गाड़ी नहीं चला रहा था ना। विराट जी, गाड़ी में ये पहले भी था क्या? नहीं था। तो फिर मान्या सही कह रही थी, एक्सीडेंट इसी गाड़ी से हुआ है। पर आप तो गाड़ी चला ही नहीं रहे थे, वो गाड़ी कौन चला रहा था? कहाँ जा रही हो? विराट जी, कंप्लेन फिर से दर्ज करवानी। क्या कर रही हैं आप? जी, मान्या गोइंका की एक्सीडेंट उसी गाड़ी से हुई थी जिसकी कंप्लेन हमने पहले लिखवाई थी। अब ठीक तो हैं? 5 मिनट पहले अभी आपने अपनी कंप्लेन वापस ली ताकि सेठी साहब को छोड़ा जाए, और वापस उन्हीं के खिलाफ दोबारा कंप्लेन कर रही हैं। सर, मैं कंप्लेन विराट जी के खिलाफ नहीं, उनकी गाड़ी के खिलाफ लिखवा रही। मैडम, हम उसको ही गिरफ्तार करेंगे जिसके नाम गाड़ी होगी। सर, कल पूरा दिन विराट जी मेरे साथ ही थे, तो वो तो हो ही नहीं सकते। से गलती उसकी है जो उस वक्त गाड़ी चला रहा था, ना कि जिसके नाम पे गाड़ी है। आप प्लीज तहकीकात कीजिए और पता लगाइए कि कौन गाड़ी चला रहा था। ठीक है, आप गाड़ी यहीं छोड़ के जाइए। ठीक है सर, गाड़ी छोड़ देंगे। अरे आप लोग फिर से अंदर, क्या हुआ? देखिए, आपको नई कंप्लेंट देनी होगी।
और आपकी FIR के अनुसार हम किसी पर भी शक कर सकते हैं। हाँ सर, हम समझ रहे हैं, आप अपनी तहकीकात कीजिए। ठीक है। हेलो डिचार्ज, वो भी इतनी जल्दी? ठीक है, तुम वहीं पे रुको, मैं बस थोड़ी देर में आई। हाँ मैं भी चलता। मान्य, जिनका बच्चा होता है वो लोग खुश नसीब जरूर होते हैं। पर तुझे पता है, उनसे भी ज्यादा खुश नसीब कौन होते जो बच्चा गोद लेके उसकी जिंदगी में नई उम्मीद लाते। तू ऐसे हार नहीं मान सकती, ये वक्त तेरे लिए जितना मुश्किल है हमारे लिए भी उतना ही मुश्किल है। पर तू मेरी बहादुर बेटी है, पारस के बारे में भी तुझे सोचना होगा। मेरी बात मान, पापा ने तुम दोनों के लिए जरूर कुछ बहुत ही अच्छा सोच के रखा। पूछे ना हाल अपना, फिर भी हंस के मुस्कुराना रे। रूठा हो जब सवेरा, राहों में हो अंधेरा, फिर भी कभी नहीं घबराना रे। चलती है दुनिया, चलती रहेगी, बहती है नदिया, बहती रहेगी। मुड़कर देख नहीं पीछे क्या छूटा। पापा हमेशा तेरे साथ। अब वो मान्य वाली प्यारी से स्माइल दे दे। चलते चलो दिल, तुम हारो नहीं, हारो नहीं, तुम हारो नहीं। चलते चलो। तुम्हारी माँ ना बड़ी कमाल की औरत है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। हाँ अब तो बोलेंगे ही ना, रिपोर्ट जो वापस ले ली उन्होंने। सिया, ये क्या तरीका है उनसे बात करने का? हाँ चुके नहीं विराट जी, ये बिल्कुल ठीक नहीं। उसे कोई हक नहीं है कि वो आपसे ऐसे बात करे। आप एक अनजान इंसान के लिए मुझे डांट रही हैं। मुझे तो अब लगता है कि एक्चुअली आप लोगों ने ना शादी सोच समझ के की है और सुना दी हमें कोई कहानी। दोनों को देख के कोई बोलेगा ये शादी मजबूरी में हुई है? बस बहुत ओके, ठीक है तो गुस्से में है, पर तुझे मैंने कभी इस तरह बात करना नहीं सिखाया। तुझे अगर हालात नहीं समझना है तो मत समझ, पर खबरदार जो ऐसे बदतमीजी की। तो प्लीज आई, आप तो मुझे तमीज का ज्ञान दीजिए मत। खुद की बेटी का ना सुन के आप अपनी नई शादी बचाने के लिए इनकी बेल तक करा ले आई। सिया, चुप कर, बात क्यों क्यों बढ़ा रही है? बढ़ाने दीजिए आई, मुझे अपना सच अच्छी तरह से पता है। और रही बात मान्या की, तो मुझे उसकी बातों पे पूरा भरोसा है, इसीलिए मैं विराट जी के गाड़ी से जुड़ी कंप्लेंट फिर से दर्ज करा के आई। मान्य, उस वक्त विराट जी मेरे साथ ही थे। एक्सीडेंट जरूर उनकी गाड़ी से हुआ है, पर वो नहीं चला रहे थे। मैं किसी और को नहीं, बस
एक बेगुनाह इंसान को जेल जाने से बचा रही हूँ। मानिया, जिसने भी तुम्हारे साथ ये सब किया है, उसे सजा जरूर मिलेगी। I promise.